खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां तहसील मंडी धनोरा क्षेत्र में कालाबाजारी को ले जाया जा रहा 112 क्विंटल गेहूं एसडीएम ने पकड़ लिया और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने में खड़ा करने के बाद पूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। खबर यूपी के जनपद अमरोहा से, जहां तहसील मंडी धनोरा क्षेत्र में कालाबाजारी को ले जाया जा रहा 112 क्विंटल गेहूं एसडीएम ने पकड़ लिया और ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करने के बाद पूर्ति अधिकारी को जांच के निर्देश दिए। यह तस्वीरें हैं अमरोहा जनपद के थाना बछरायू की, जहां ट्रैक्टर ट्राली में लदा यह गेहूं कालाबाजारी को ले जाया जा रहा था। पूर्ति विभाग की टीम ने जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को देर रात एसडीएम चंद्रकांता को सूचना मिली कि धनोरा क्षेत्र के गांव कैसरा से ट्रैक्टर ट्राली में भारी मात्रा में गेहूं को कालाबाजारी के लिए गजरोला की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही एसडीएम चंद्रकांता ने गांव फतेहपुर सुमाली के निकट ट्रैक्टर ट्राली को पकड़ लिया। एसडीएम ने ट्रैक्टर ट्राली को ले जा रहे चालक से सवाल किया तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तत्पश्चात एसडीएम चंद्रकांता ने ट्रैक्टर ट्राली व चालक को बछरायू थाना पुलिस को सौंप दिया। उसके बाद मौके पर बछरायू थाने पहुंची पूर्ति निरीक्षक प्रीति शर्मा ने चालक से पूछा तो वह गेहूं क्रय विक्रय संबंधित कोई भी दस्तावेज न दिखा सका। ये 224 सरकारी बोरों में लगभग 112 क्विंटल गेहूं भरा हुआ था। भारी मात्रा में बिना कोई दस्तावेज के गेहूं बरामद होने पर पूर्ति विभाग ने इस संबंध में आरोपी राजेंद्र पुत्र राम कुमार निवासी ग्राम मोहरका पट्टी के खिलाफ बछरायू थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्ति निरीक्षक प्रीति शर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली में सरकारी 224 बोरे में लादकर कालाबाजारी को गेहूं ले जाया जा रहा था, जिसको पकड़ा गया है। उप जिलाधिकारी चंद्रकांता ने बताया कि कालाबाजारी को जाता राशन पकड़ा गया है। अनाज किसका है यह जांच कराई जा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी करने वालों को कहा कि किसी भी प्रकार से गेहूं व खाद पदार्थों की कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। अगर ऐसा होता है या कहीं पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, अमरोहा।